अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ जिला शाखा अजमेर द्वारा जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के माध्यम से आज 5 सूत्री मांग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भारत सरकार को भेजा गया। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से महासंघ के जिला अध्यक्ष विनोद रत्नू ने बताया कि केंद्र सरकार ने NPS 2004 से 2022 के तहत राज्य सरकार के 41,000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं, उनको तुरंत राज्य सरकार को लौटाते हुए GPF में जमा करवाए। 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द गठन किया जाए, आयकर में छूट दी जाए, आयकर धारा 80C की वो पुनर्बहाल किया जाए एवं गृह ऋण एवं बैंक ब्याज की छूट को पुनर्बहाल किया जाए। कोविड के समय महंगाई भत्ते फ्रीज किए गए थे, उनको तुरंत बहाल करके एरियर के रूप में कर्मचारियों को भुगतान किया जाए और संविदा प्रथा को खत्म करते हुए लाखों खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करके पद भरे जाए। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की इन मांगों को नहीं मानती है तो कर्मचारी आंदोलन की राह अपनाएंगे। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर प्रदेश व्यापी प्रत्येक जिला स्तर पर ज्ञापन का प्रोग्राम था। आज का ज्ञापन है जो कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम है और जो राजस्थान के कर्मचारी की जो मुख्य मांग है वो सबसे पहली बड़ी मांग है कि जो 2004 से लेकर 2022 तक जो NPS जो लागू करी थी न्यू पेंशन स्कीम, इसके तहत जो केंद्र सरकार जो पैसा काट के बैठी है 41,000 करोड़ रुपये वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को लौटा है GPF में। इसके अलावा कर्मचारियों की सबसे बड़ी और जो मुद्दे ज्वलंत मुद्दा है या जो कहते हैं महती पीड़ा है वो ये है कि वो 8वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए उनकी जो मंशा लग नहीं रही है, इसलिए पूरे भारतीय कर्मचारी और राजस्थान के कर्मचारी मांग करते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू करे और उसके जो परिलाभ है वो जल्द से जल्द प्रत्येक कर्मचारी को मिले। इसके अलावा हम इनकम टैक्स में भी छूट चाह रहे हैं कि जैसे एक अन्य पिछड़ा वर्ग को 8 लाख तक की आयकर में छूट है तो वैसे कर्मचारी जो राज्य कर्मचारी उसको 3 लाख से उसकी भी जो सीमा है वो 8 लाख की जावे, गृह कर में छूट दी जावे। इसके अलावा जो संविदा प्रथा है उसको खत्म करें और जो लाखों पद खाली पड़े हैं सरकार नियमित भर्ती करे, उसके तहत वो उनकी भर्ती करके उनकी मांगों को पूरा करें। और इसके अलावा कोविड में जो महंगाई भत्ते फ्रीज कर दिए थे कर्मचारियों के तो उसको रिलीज करें और एरियर के रूप में उनका भुगतान करें। इन मांगों को लेकर आज प्रधानमंत्री महोदय के नाम से जो हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है और आगामी चरण में जो हमारा जो प्रदेश नेतृत्व आह्वान करेगा उसके तहत हम आगे बढ़ें।